हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। आज BCA फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के लेक्चर में हम देखेंगे अपना कल का टॉपिक प्रेजेंटेशन के आगे के पार्ट्स को, इसी टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आइए देखते हैं, कल हमने बात की थी डिफाइनिंग द पर्पस, अब सेकेंड टॉपिक इज एनालाइज द ऑडियंस। ठीक है, द डिजायर्ड रिजल्ट कैन नॉट बी अचीव्ड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन अनलेस द पर्सन मेकिंग द प्रेजेंटेशन नोन हिज ऑडियंस वेल। ये इनका कहने का मतलब है कि जब तक हम अपने ऑडियंस के बारे में अच्छी तरीके से एनालाइज नहीं कर लेंगे, तब तक हम अपने प्रेजेंटेशन का जो अचीव्ड डिजायर्ड रिजल्ट है वो प्राप्त नहीं कर सकते। ऑडियंस एनालिसिस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन के मामले में देखा जाए तो इंटीग्रल पार्ट है क्या ऑडियंस एनालिसिस। इंटीग्रल मतलब महत्वपूर्ण पार्ट है, जरूरी पार्ट है। इट इंक्लूड आइडेंटिफाइंग ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या करते हैं, हम ऑडियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। दैट इज़ एनालाइज ऑडियंस नीड एंड एक्सपेक्टेशन। ऑडियंस की नीड्स क्या हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है, वो प्रेजेंटेशन में क्या चाह रहे हैं, क्या उन्हें हमसे उम्मीदें हैं उसके बारे में। एंड आइडेंटिफाइंग फैक्टर फॉर गेटिंग एंड मेंटेनिंग ऑडियंस अटेंशन, और ऐसे फैक्टर जो कि ऑडियंस के अटेंशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। एंड आइडेंटिफाइंग ऑडियंस करेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं हम, इन ऑर्डर टू नो द ऑडियंस, ऑडियंस को जानने के बारे में द प्रेजेंटर नीड टू आइडेंटिफाई देयर बेसिक करेक्टरिस्टिक्स। जो प्रेजेंटर है यानी जो प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहा है, उसे ये ज़रूरी है कि वो ऑडियंस के बेसिक करेक्टर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करे। ही ऑब्लिक्सी ही शुड ट्राई टू गैदर एज मच बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट लिसनर। उसे जो लिसनर है या ऑडियंस है उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए। जैसे कि देयर एज, मतलब किस एज ग्रुप के ऑडियंस हमारी है, या जो हमें जो लिसनर हैं वो किस एज ग्रुप के हैं, मोस्टली किस जेंडर के हैं, किस सोशल किस समाज से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक पोजीशन उनकी क्या है, ओके, एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है, शिक्षा कहाँ तक है उनकी, ये सारी चीज़ें। रिलीजन मतलब जो हमारी ऑडियंस है उसका मोस्टली की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक एक ऑडियंस की, एक एक पर्सन की बात नहीं की, ऑडियंस में तो कई सारे लोग होंगे, कहाँ तक हम करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि मोस्टली यानी कि कितना परसेंट, मोस्ट परसेंट हमारा किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, उसके आधार पर हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड मान लीजिए, एजुकेशनल बैकग्राउंड मोस्टली देखें ग्रेजुएट लेवल के लोग होंगे उसमें, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के होंगे, अनपढ़ टाइप के लोग होंगे, किस तरीके के लोग होंगे। रिलीजन्स किस धर्म के मोस्टली लोग हैं। पॉलिटिकल एफिलिएशंस मतलब राजनीति से जुड़े हुए लोग तो नहीं हैं। प्रोफेशंस एटीट्यूड लाइक क्या प्रोफेशन है, क्या एटीट्यूड है इनका, लाइक डिसलाइक क्या है इनकी, क्या पसंद करते हैं क्या नहीं पसंद करते हैं, बिलीव्स कैसे हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, एंड वैल्यू गुड और बैड क्या वैल्यू, ये सारी चीज़ों को हमें पहले से अपने माइंड में मेकअप करना होगा, या इनके बारे में विचार करना होगा, या इनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी, उसके बाद ही हम अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। इफ़ दीज ऑडियंस करेक्टरिस्टिक्स आर आइडेंटिफाइड, ये करेक्टरिस्टिक जब आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ही विल बी मच बेटर इक्विप्ड टू प्लान एंड प्रिपेयर हिज प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली। जैसा भी मैंने बताया था, अगर हमें बैकग्राउंड पता, ऑडियंस का बैकग्राउंड पता चल जाए, ऑडियंस को एनालाइज कर लेते हैं, तो हमें आसान हो जाता है अपने प्रेजेंटेशन को प्लान करना और प्रिपेयर करना, ओके। देन एनालाइज ऑडियंस नीड एंड एक्सपेक्टेशंस, ऑडियंस के जो नीड और एक्सपेक्टेशंस है उन्हें एनालाइज करना। दोज हु विल अटेंड एंड लिसन टू द प्रेजेंटेशन हैव देयर बेसिक नीड्स, जो प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं या सुन रहे हैं उनकी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं एंड एक्सपेक्टेशंस होते हैं। फॉर दिस ही शुड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसके लिए वो हम आज कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या नीड हो सकती है, जैसे कि वाई विल दे लिसन टू मी, वो हमें क्यों सुने या मुझे क्यों सुने, तो कुछ ना कुछ तो खास हो तभी तो सुनेंगे वो। हु आस्क देम टू बी देयर, और वो क्या पूछने के लिए, कौन पूछेगा आप यहाँ क्यों हैं, इज़ देयर अटेंडेंस कंपलसरी, क्या उनकी अटेंडेंस यहाँ कंपलसरी, यानी हमें ये सोचना चाहिए प्रेजेंटर को
उनकी अटेंडेंस कंपलसरी है। अगर कंपलसरी हम कुछ ऐसा सुना है कि उन्हें लगे हाँ अटेंडेंस कंपलसरी है, व्हाट आर द देयर इंटरेस्टेड, व्हाट दे एक्सपेक्ट, व्हाट आर देयर नीड्स, हाउ डू माई ऑब्जेक्टिव मीट ऑडियंस नीड, यानी मेरा ऑब्जेक्टिव और ऑडियंस की नीड किस तरीके से मैच हो रही है, ये सारी चीज़ें सोचने का विषय होती हैं जब हम एक प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। आगे देखते हैं, रिकग्नाइज फैक्टर फॉर गेटिंग एंड मेंटेनिंग ऑडियंस अटेंशन। ये फैक्टर्स को रिकग्नाइज करना कि हम ऑडियंस की अटेंशन को कैसे प्राप्त करें। वंस द करेक्टरिस्टिक्स नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑडियंस हैव बीन आइडेंटिफाइड, जब करेक्टरिस्टिक्स उसके नीड्स और एक्सपेक्टेशन ऑडियंस की जब हमें आइडेंटिफाई हो जाती हैं, उनकी पहचान हो जाती है, फैक्टर्स दैट मीट द नीड ऑफ द लिसनर शुड बी डिटरमाइंड। और फैक्टर्स क्या हैं कि जो नीड्स और जो एक्सपेक्टेशन है उनका और हमारे प्रेजेंटेशन का जो मैच है वो हमारा फैक्टर कहलाता है। लिसनर विल बी मोर इंटरेस्टेड इन द प्रेजेंटेशन, लिसनर को लिसनर हमारा बहुत इंटरेस्टेड हो जाएगा प्रेजेंटेशन इफ़ इट मीट्स देयर रिक्वायरमेंट, जब उसे उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो मिलने लगेंगी, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो चाहता है, वो जब मिल जाएंगी तो वो इंटरेस्टेड हो जाएगा उस प्रेजेंटेशन में। द प्रेजेंटर नीड टू कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द कंटेक्स्ट, प्रेजेंटर को जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि हाउ कैन आई रिलेट माय प्रेजेंटेशन टू द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ माय ऑडियंस, कि मैं अपने प्रेजेंटेशन को कैसे रिलेट कर सकता हूँ अपनी ऑडियंस की नीड और एक्सपेक्टेशन के साथ। ओके, देन व्हाट स्टाइल विल अपील टू माय ऑडियंस, यानी कि कौन सी ऐसी स्टाइल है जो मेरे ऑडियंस को ज़्यादा सूट करेगी या मेरे ऑडियंस को ज़्यादा अपील करेगी। व्हाट आर द चेंजेस दैट आई शुड मेक, और ऐसे कौन से चेंजेस हैं मैं अपने ऑडियंस के लिए कर सकता हूँ। ओके, देन अब बात करते हैं एनालाइज द ओकेशन, ठीक है, थर्ड टॉपिक इसी का, द ओकेशन ऑफ ऑन विच द प्रेजेंटेशन इज टू बी मेड शुड बी एनालाइज्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इवेंट और कम्युनिकेटिव सिचुएशन। जब हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तब हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस ओकेशन की, किस उपलक्ष्य में, किस कारण हम अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, उसका कारण क्या है। अगर कारण के लिए हम डिसाइड हो तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, अपना कम्युनिकेटिव किस सिचुएशन में हम प्रेजेंटेशन हमें देना है, ये सारी चीज़ें हम पहले से एनालाइज करेंगे तो हमारा जो प्रिपरेशन है, प्रेजेंटेशन है, वो इजीली हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द इवेंट लाइक इट्स बैकग्राउंड, यानी कि जो ओकेशन है उसका बैकग्राउंड क्या है, द पीपल इन्वॉल्व, इनमें किस तरीके के लोग इन्वॉल्व होंगे, द ऑर्गेनाइजेशन, और जो ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा है, और एसोसिएशन के संगठन या जो एसोसिएशन वो कैसा है, लिंक्ड, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें कैसी हैं और क्यों लिंक है हमारे इस इवेंट से, इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ओकेशन को ध्यान में रखते हुए हमें अपना प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहिए। एंड सो ऑन नीड टू बी कंसिडर्ड, हेयर आर सम रिलीवेंट क्वेश्चंस, और कुछ रिलीवेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, जैसे एम आई फैमिलियर विद द प्रोसीजर ऑफ द इवेंट, क्या मैं इवेंट के प्रोसीजर से फैमिलियर हूँ, ये क्वेश्चन एक पुट हो सकता है। हु आर द स्पॉन्सर्स, यानी कि जो प्रेजेंटेशन करा रहे हैं जिस जगह का, जहाँ पर ये हो रहा है, जिस कॉलेज में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस संस्था में, उसके स्पॉन्सर्स कौन है। हु आर द अदर स्पीकर, मतलब आपके अलावा और कौन कौन है जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज़ द वेन्यू, वेन्यू जगह कौन सी है जहाँ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ माई प्रेजेंटेशन, और मेरे प्रेजेंटेशन का क्या ड्यूरेशन रहेगा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इनफैक्ट थिंकिंग थ्रू द आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन टू इंश्योर दैट द प्रेजेंटेशन इज इफेक्टिव, अगर हमने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर सोच लिए तो ये श्योर है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव ही होगा। ओके, नेक्स्ट इज बात करते हैं फोर्थ, चूज ए सूटेबल टाइटल, द टाइटल गिव्स द ऑडियंस द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द प्रेजेंटेशन, टाइटल से ही हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है और किस पर बेस्ड है, थोड़ा आइडिया हमें टाइटल से ही मिल जाता है। एंड दे फॉर्म्स देयर फर्स्ट इम्प्रेशन, और टाइटल ही हमारे प्रेजेंटेशन के फर्स्ट इम्प्रेशन को डिसाइड करता है, आकार देता है। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल दैट द टाइटल इज एप्रोप्रिएट एंड कन्वेज द एसेंस ऑफ द मैसेज, इसलिए
ये बहुत ज़रूरी है, प्राथमिक चीज़ें हैं कि हम अपने टाइटल एप्रोप्रिएट टाइटल का सिलेक्शन करें और कन्वे द एसेंस ऑफ द मैसेज, और अपने इजीली उस टाइटल के थ्रू अपने मैसेज को कन्वे कर सकें। द बॉग मिसलीडिंग एंड फजी टाइटल में कन्फ्यूज द ऑडियंस, जो मिसलीडिंग फनी फजी मतलब बेकार के जो टाइटल होते हैं, ऐसे टाइटल जो मतलब अपने आप में टाइटल ना हो, मिसलीडिंग वाले टाइटल जो मिसगाइड करें, वो ऑडियंस को कन्फ्यूज़ करते हैं। द चॉइस ऑफ द टॉपिक डिपेंड ऑन द ओकेज़न, जो टॉपिक की चॉइस है वो ओकेज़न पर डिपेंड करती है, किस तरीके का ओकेज़न है उसी तरीके का हम प्रेजेंटेशन का टॉपिक तैयार करें। द ऑडियंस, द टाइप एंड पर्पज़ ऑफ द प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी, डिपेंड ऑन द ओकेज़न पर, ऑडियंस पर, ऑडियंस के टाइप पर, और पर्पज़ क्या है हमारे इस प्रेजेंटेशन का, इन पर हमारा टाइटल डिपेंड करता है। आफ्टर ए सूटेबल टॉपिक हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेजेंटेशन, जब प्रेजेंटेशन के लिए जब सूटेबल टॉपिक सेलेक्ट हो जाता है, इट शुड बी नैरोड डाउन एज पर द फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन, फिर उसे हम प्रेजेंटेशन के थ्रू फोकस करते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द नेचर ऑफ द जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पज ऑफ द प्रेजेंटेशन एज वेल एज ऑडियंस एक्सपेक्टेशन एंड रिटोरिकल, ठीक है, रिटोरिकल, इससे क्या है कि हम प्रॉपर टाइटल से जो हमारा पर्पज है उसे और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को हम इजीली फुल कंप्लीट कर सकते हैं, जान सकते हैं। सेंसिटिविटी में भी कंसीडर्ड, कौन कौन सी जैसे टाइटल फोकस हो सकते हैं, मान लीजिए लोकल लेवल का टाइटल लें, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने दे दिए व्हीकुलर पॉल्यूशन हजार्ड, जैसे मतलब गाड़ियों से होने वाला धुआं, ये पर्टिकुलर जगह के लिए, मान लीजिए दिल्ली में हो रहा है ये पॉल्यूशन गाड़ियों से, तो ये लोकल हो गया दिल्ली के लिए, ठीक है, मुंबई में हो रहा तो मुंबई के लिए लोकल हो गया, मान लीजिए पॉल्यूशन ऑफ द गंगा, यानी गंगा में जो पॉल्यूशन है वो हमारा क्या नेशनल, यानी गंगा तो वर्ल्ड पूरे इंडिया में है तो वो हो गया हमारा नेशनल, एंड CFS ओजोन डेप्लेशन जो है हमारा वो इंटरनेशनल टाइटल हो गया किसी भी प्रेजेंटेशन के बारे में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।